रास्ता घाट अगर पड़े
सरकार
आपको पहले बता दूं कि मैं उड़िया अच्छी तरह से और मेरा क्लास टेंथ में उड़िया एक सब्जेक्ट भी था, पर मैं हिंदी आपको जरूर बोलूंगा। मेरे ख्याल से सारे लोग जितने लोग भी हमारे बीच में हैं हिंदी आप जानते हैं, जानते हैं। आज जो ये ऊर्जा मेला है उसमें मैं स्वागत करता हूँ टीपीसी ओडिया से हमारे डीओ साहब को, हमारे मित्र और हमारे करीब सुब्रत बाबू को, पात्र बाबू को और हमारे छोटे भाई सुभाषिस को, मुकेश को और उड़ीसा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से जो हमारे बीच में दो अफसर आए हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे पूरे टीम को जो अंगुल डिवीजन और ढेंकनाल और तालचेर में है उन्होंने बहुत ही कम समय में आप लोगों के साथ एक संवाद बनाया, और संवाद बनाने के बाद आज जिस तरह से प्रोग्राम सुबह से चल रहा था, टाटा पावर ने ये सोचा कि हर एक स्कूल में बच्चों के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन, क्लीनलीनेस के लिए, फॉरेस्टेशन के लिए, मोरल वैल्यूज के लिए और हम लोग एनर्जी सेविंग के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। और हम लोग का जो टारगेट बचे रहे इसलिए रहे कि हम लोगों ने यह भी सोचा कि जो फ्यूचर ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री है उसमें केवल हम स्टूडेंट की बातें करते हैं तभी हम एक मोरल वैल्यू डाल सकते हैं और एक सिटीजन ऐसा तैयार कर सकते हैं जो कि सस्टेनेबल फ्यूचर और ग्रीनर फ्यूचर की ओर ले जाए। आपको मैं बताऊं कि टाटा पावर की इकोसिस्टम में बहुत कम लोगों को मालूम है कि टाटा पावर केवल डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में ही नहीं है, केवल वर्टिकल में ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे एनर्जी के संदर्भ हैं जिसके अंदर टाटा पावर इन्वॉल्व है, जैसे जनरेशन जहाँ से बिजली पैदा होता है, जहाँ से बिजली का प्रोडक्शन होता है उसके अंदर भी टाटा पावर है, रिन्यूअल के लिए है। आज आप लोगों ने देखा होगा जब हमारी साइंस का यहाँ एग्जीबिशन चल रहा था बहुत सारे बच्चे ने रिन्यूअल पर भी एक दो अपने प्रोडक्ट को रखे थे। हम लोग न्यू प्रोडक्ट पर भी हैं, हम लोग ईवी चार्जिंग पर भी हैं और साथ में हम लोग हाइड्रोजन भी हैं, और हमारा जो सोलर का जो काम चलता है पूरे भारत के अंदर इस तरह से उसका फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है वो करीब देखने लायक है। पर पर्पस ये है कि हम क्लब एनर्जी की बात या ऊर्जा मेले की बात आपके बीच में रखते क्यों। देखिए ऊर्जा मेला के पीछे एक ही उद्देश्य रहता है कि हम किस तरह से अवेयरनेस और जो स्प्रेड करना है आप लोगों के बीच से किस तरह से कितनी दूर तक जा पाए। जनरली क्या है कि जब क्लब एनर्जी की बातें आपके स्कूल में होती है तो हम लोग अपने स्टूडेंट को बोलते हैं कि आप एनर्जी ऑडिट भी करना सीखें। एनर्जी ऑडिट का मतलब क्या है कि जब आप अपने घर में चले जाते हैं और देखते हैं किस तरह के प्रकार का एनर्जी का आप अपने घर में यूज करते हैं, उसका कंजम्पशन कैसे घटाया जा सकता है। साथ में हम ये बात करते हैं कि आपके अगल बगल में क्लीन कैसे रखें जिससे आपको हेल्थ और हाइजीन को आप एड्रेस कर सकते हो। हम ये बात करते हैं कि फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या है कि क्योंकि मेरा बैकग्राउंड माइनिंग का रहा है इसलिए मैं आपको और भी विस्तार से बोल सकता हूँ, पर हमारी जो बहन है रश्मि उन्होंने कर रखा है कि ज़्यादा समय आप बोल नहीं सकते हैं, वो भी एक पाबंदी है। कहा जाता है कि फॉसिल फ्यूल से आप बाहर निकलें और आप वीट पर बात करें, आप अपने सोलर पर बात करें और जहाँ पर आपको लगता है कि वाटर रिसोर्सेज का भी यूज हो सकता है उसको आप कैसे स्प्रेड कर सकते हैं। मैं आपको और बताऊं कि हम लोग का प्लान और जो आगे की ओर जाने का है वो काफ़ी लंबा है। हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज पर, हमारे बीच में सुभाषिस है, हमारे बीच में इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट और उसे कंट्रोल बोर्ड के हमारे अच्छे मित्र और ऑफिसियल्स हैं जिनको मालूम है कि किस तरह से पॉल्यूशन का यहाँ पर हर जगह पर पूरे भारत में पॉल्यूशन और प्रदूषण की बात कम करते हैं। इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू ऑल अक्रॉस, कैसे पॉल्यूशन को घटाया जाए जिसका माध्यम आपके जरिए ही हम लोग समाज में फैलाने की बात करेंगे। ये ऊर्जा मेला के अंदर जैसा आपको मालूम है तीन तरह का कंपटीशन रखा गया था, पोस्टर मेकिंग का एक कंपटीशन था, एक हमारा स्लोगन राइटिंग का था और साइंस एग्जीबिशन का था। इसमें ये सोच रखी गई थी विद द थीम कि जो भी बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट करें उनका साथ में दिमाग में ये चलता रहे कि एनर्जी सेविंग को हम कैसे आगे ले जाएं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम कैसे दर्शा पाएं और उसको हम इंटरनलाइज कर पाएं। और साथ में ये भी बात रखी गई है आपके बीच में कि मोरल वैल्यूज को भी हम किस तरह से स्कूल के बच्चों के अंदर डाल सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं क्योंकि हमारे साथ हमारे मेहमान और अतिथि हमारे बीच में है, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपके बीच में मेरा वाणी को मैं विराम देता हूँ और ये आह्वान करता हूँ, प्लीज़ आप इस मैसेज को स्प्रेड करें,
टीपीसीओडीएल इस जो काम क्लब एनर्जी का और ऊर्जा मेला आपके बीच में लाई है, जितने लोगों को आप बोलेंगे उतना सबके लिए स्प्रेड होगा। खाली मैं बताऊं कि साउथ के अंदर एक प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है नल्ली कल्ली। नल्ली कल्ली का एक ही कॉन्सेप्ट है कि मैं अगर कोई चीज़ सीख लिया हूँ तो मेरी जिम्मेवारी है कि 5 लोगों को मैं बताऊँ। आज अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में हम लोग अपने को पाकर। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ स्कूल को। मैं कल से केदार साहब से मैं कल से मिला हूँ। जिस तरह से नजर आता है एज ए प्रिंसिपल एज ए माय टीचर आल्सो आई गोइंग डाउन माय ओन हेड टू फुल गिविंग फुल रेस्पेक्ट टू हिम। और जिस तरह का सपोर्ट अगर हम लोगों को बराबर मिलेगा तो आप जान लीजिए कि इस तरह का बड़े प्रोग्राम बड़े स्तर पर करने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। केवल आप लोगों का साथ और सहयोग मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अगेन। धन्यवाद देवी टाटा पावर तरफ टाटा फैमिली तरफ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते स्कूल के सार मैंने बहुत जिन सीखे पिला मान को कह चाहे आम पाखे लाइव एग्जाम्पल अच्छी तालचेर कोईला खड़े तालचेर कोईला तालचेर कोईला बाहर इलेक्ट्रिक तैयारी आम घर इलेक्ट्रिक यूज करतेचेर कोईलू पल्यूशन होती से समस्ते लाइव देखिपुर एंड आम समस्ते देखिपे फिल भी करते पल्यूशन क्रिएट करुचे आम निजर डेली लाइफ आम जो इलेक्ट्रिक यूज करुचे तो एनर्जी कंजर्वेशन आउ एनवायरमेंटल जो जिनस ये जिनस आम जी अधिक बुझी पारे बोधे अनुकूल जो मैंने डिस्ट्रिक्ट रोना से बुझी पारे तो तुम लोग बुझे मो पा बेस किसी ना समस्ते ए विषय बहुत भल भाव जहाँ भी देखी स्लोगान रईटिंग तुम ड्रईंग प्रोजेक्ट जहाँ भी करते पिला समस्त विषय बहुत भल भाव जानते केवल आम दायित्व आम समाज प्रति जो दायित्व रही पे जो जिनसा कहू से अधिक स्प्रेड करेंगे निज घर होज पड़ोशी मान सहित हूँ निज सांगी मान सहित हूँ तो आम जो मेसेज रही आम एनर्जी कम यूज कले एनवायरमेंट पल्यूशन कम हम आम समस्त भविष्य सुंदर हम मेसेज आम सैड रू जदि इलेक्ट्रिक समस्त बहुत दरकार ता सहित आम समाज प्रति जो दायित्व रही आम क्लीन एनर्जी यूज करवा एंड आम एनवायरमेंट को सुंदर रखा सो दैट आम भविष्य भल हो पारे अर्गनाइज आज जो बहुत बहुत धन्यवाद देवी आगे कोई भाई सहयोग कामना करूँ टाटा पावर आगे बहुत प्रोग्राम कर पंचासीन अतिथिवृंद विद्यालय प्रधान शिक्षक शिक्षक शिक्षयित्री एवं कर्मकर्ता बंधु मैंने श्रद्धेय छात्र छात्री आज जो ऊर्जा मेला करार उद्देश्य हूँ तुम्हें मैंने पारंपरिक अणपारंपरिक शक्ति तथा परिवेश प्रदूषण को रोकवाई जड़े जड़े आंबासडर तुम मानम जन सचेतनता सृष्टि करने उद्देश्य ये ऊर्जा मेला करेणु पाने घरे जो इलेक्ट्रिसीटी हो पा हो
अपचय होने रोक तुम मान से सचेतनता सृष्टि कले तुम मानम समाज पर आरंभ कर समाज पर्यटन सबुट सचेतनता सृष्टि यही उद्देश्य मेला करवल अनुगुण हेडक्वाटर आम कथा परवर्त पर्यायर सारा समग्र जिले में आठटा ब्लक यही कार्यक्रम कले निश्चित भाव जन सचेतनता सृष्टि वर्षा जल छात्र तल को चली जा नष्ट होतेक जगह आम इलेक्ट्रिक लाइट व्यवहार करे फैन करुचे बल्ब जलुच्छे आम छाड़ी चली जाऊे तेणु या द्वारा शक्ति अपचय होती भाव में रोक जापर तेणु यार एकम्र मार्ग पब्लिक आवेरने तेणु से पब्लिक आवेरने क्रिएट करने तुम मैंने जड़े जड़े आंबासडर ग्रहण कर मन भितर आज किसी दुविधा अच्छे छोट पा आम कथा किए शुण ना तुम्हें आगामी काल भविष्य हेले छोट ना लाज अपमान हेले मु पारि बढ़ी फुटिला फूल कि फुटे आउे फुटे सीना फूल कढ़ी तेणु तुम्हें मान भितर ये सचेतनतार बार्ता समाज को दवा लक्ष्य जिला स्तर ये ऊर्जा मेला आयोजन करा बंधु मान धन्यवाद ए मेला को आम आज असाधारण सफलता देचे ये हृदबोध मध्यम कर दुईटी कथा पे चिंता कर गोटे हूँ सेल्फ रियलाइजेशन आ गए सेल्फ एक्सप्रेशन जहाँ तुम्हें कह शक्ति संरक्षण करने प्रदूषण रोकवाई तुम्हें जहाँ कह तुम्हें केूर कार्य लगो ये तुम्हें प्रथम आरंभ तेणु एक्जामपल इज बेटर दैन प्रिसेप्ट भाया अगर आगे उदाहरण दवा अपेक्षा निजे कर देखा सो दैट अगर तुमको ग्रहण करी तुम सांगसाथी मान बापा माँ मामू मौसी जो मैंने रही पर समाज से निकट में आज उत्सव बार्ता पहुँचु एवं आज उत्सव असाधारण भाव में सफलता अर्जन कर कर्मकर्ता बंधु मान को धन्यवाद जनाऊँगी कोटि कोटि छात्र छात्री मान को साधुवाद जनाऊँगी विद्यालय प्रधान शिक्षक को साधुवाद कर उत्सव संगठन कर समस्त धन्यवाद कंजप्शन से आवेर।
बस इतनी मोर कोई थी धन्यवाद Thank you.
¡Gracias!
धन्यवाद
शिक्षाधिकारीता निरंजन साहू होटल को अनेक कार्यव्यस्तता सत्वे स्वल्प समय किसी कार्यक्रिया विद्यालय एक सचेतनता कार्यक्रम पे वास्तववादी वक्तव्य विशिष्ट भाव से महोदय को धन्यवाद देवी एवं धन्यवाद देवी टाटा एनर्जी क्लब समस्त छात्र छात्री आम विद्यालय जो टाटा एनर्जी क्लब गठन करते एनर्जी क्लब समस्त छात्र छात्री मान को धन्यवाद देवी द्वारा जो सचेतनता कार्यक्रम आम विद्यालय करूँगी सुंदर विस्तार कर ऊर्जा मेला सफल करवा से आम विद्यालय टाटा एनर्जी क्लब समस्त छात्र छात्री मान को धन्यवाद देवी एवं परिशेष अन्न्य विद्यालय बस शिक्षक शिक्षक श्रद्धेय छात्र छात्री जो मानदान आज ये ऊर्जा मेला को सरस सुंदर कर गरीबा सफल होती समस्त को धन्यवाद दे आज मो धन्यवाद वक्तव्य सारे विनर्स आ गए हैं ना साइड हेलो देखिए।